आज गुना में नो एंट्री वाले क्षेत्र में लगाए गए विभिन्न प्रकार के साइन बोर्ड हटाए गए। नगर पालिका अमले ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। मध्य प्रदेश शासन के नगरीय विकास मंत्री जयवर्धन सिंह ने आज बेंगलुरु से आई आर्किटेक्ट्स के साथ राघोगढ़ के कटरा मोहल्ला स्थित मंगल भवन सहित अनेक स्थानों का निरीक्षण कर नगर के सौंदर्यीकरण पर विचार किया। नगरीय विकास मंत्री जयवर्धन सिंह ने साड़ा कॉलोनी में बनने वाले नए बस स्टैंड की भूमि का निरीक्षण भी किया। गुना नगर पालिका के पूर्व प्रतिपक्ष नेता सुनील मालवी ने दिल्ली में कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात कर उन्हें सफाई कर्मियों की समस्याओं से अवगत कराया। मधुसूदनगढ़ क्षेत्र में ग्रामीण महिला के साथ प्राइवेट चिकित्सक द्वारा मारपीट का आरोप। ग्राम तोरई निवासी कमलाबाई के परिजनों ने उनके साथ मारपीट का आरोप लगाया। का नाम? कमलाबाई। कहाँ की हो आप? तोरई। क्या हुआ आपके साथ? अरे जो हम वहाँ गए थे देवपुरा, तो वहाँ से आए थे, तो जो जिन्हें काज गाली दे रहा है बकमोड़ा। कौन? खेत पे बकमोड़ा। क्या नाम है? सुखदानी डॉक्टर की मोड़ा। हम नाम नहीं जानू, छोटी छोटी वाला तो हम होते से आ रहे थे, तो हमने जगह तुम्हारे बालकन समझा दियो बिने गाड़ी दी वहाँ खेत पे, हमारा खेत और बाकी गई है वो तो की रहे थे। हम डॉक्टर साहब समझा दियो, अच्छे नहीं लगे अपन बगल बगल में रह रहे तो ज्यादा हो जाए कहीं देना, इतने में लात मारी गई गाड़ी बैठे गई और उतर के गाड़ी पैसे। कौन ने मारी? डॉक्टर ने। क्या नाम है उनका? देवंश हो गया ना। अच्छा फिर? तो मारी तो अब जा में बचा हुई तो मेरे जुड़ गई वो जो आत्मा रोज ये सूझ रहा पूरी रात को हत्तर रहा। पुलिस में रिपोर्ट करी आपने? करी नहीं। राघोगढ़ में नगरीय विकास मंत्री जयवर्धन सिंह ने लोगों की समस्याएं सुनी और आवेदन लिए। आज गुना में क्षत्रिय खंगार समाज द्वारा महाराजा खेत सिंह खंगार की जयंती पर शहर के विभिन्न मार्गों से एक भव्य चल समारोह निकाला गया। गुना के शासकीय जिला अस्पताल में एक नाबालिग युवती ने बच्चे को जन्म दिया। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की। नगरीय विकास मंत्री जयवर्धन सिंह ने गोपी कृष्ण सागर बांध में बन रहे वाटर प्लांट का निरीक्षण किया और अधिकारी कर्मचारियों से चर्चा की। आवन स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर पर सूर्य ग्रहण के बाद साफ सफाई करने के बाद सुंदर कांड का पाठ किया गया। बूढ़े बालाजी क्षेत्र में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आगामी रविवार को निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा। आने वाली 5 जनवरी 2020 को कुशवा समाज द्वारा 7वां परिचय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। ये आयोजन बूढ़े बालाजी क्षेत्र में स्थित कुशवा मांगलिक भवन में होगा। गुना मंडी सचिव की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्वालियर में पुलिस एडीजी को पत्रकारों ने ज्ञापन दिया। बताया जाता है कि विगत दिनों मंडी सचिव ने पत्रकारों के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी की थी। सिसोदिया कॉलोनी में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में आज रहा 6वां दिन। श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह हुआ संपन्न। बड़ी संख्या में कथा का श्रवण करने के लिए पहुंचे श्रद्धालु।